ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में लोग आते हैं तो सच्ची मेहनत नहीं करते, कड़क मेहनत नहीं करते, करते हैं मेरे भाई, फिर भी सफलता नहीं मिला करती है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। एक वो है जो मेहनत कम करते हैं और सफलता ज्यादा मिलती है, एक वो लोग हैं जो मेहनत बहुत करते हैं सफलता कम मिलती है, एक वो लोग हैं जो मेहनत भी करते हैं लेकिन उनको सफलताएं प्राप्त नहीं हुआ। कितनी मेहनत करो यश नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। क्या वजह है, आप क्या सोचते हैं? आपका अच्छा करियर बने उसके लिए आप क्या करेंगे? एक बच्चे से मैंने पूछा कि अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसने कहा कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। मान्यवर, बहुत से लोग इसी में असफल हो जाते हैं कि कड़ी मेहनत से अच्छा भविष्य बनता है, अच्छी सफलता मिलती है। शायद इसमें थोड़ा सा मैं असहमत हूं, पूर्णतः सहमत नहीं हूं। कड़ी मेहनत तो एक पत्थर तोड़ने वाला भी करता है, कड़ी मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, कड़ी मेहनत तो वो भी करता है जो सिर पर ईंट पत्थर ढोता है, कड़ी मेहनत तो एक गधा भी करता है तो कभी घोड़ा बनता है क्या मेरे भाई? ध्यान रखिए, इस गलतफहमी में मत रहो कि कड़ी मेहनत करने से जिंदगी में सफलताएं मिला करती हैं। कड़ी मेहनत से सफलता मिल जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जहां तक आप देखिए, विचार करना, एक मजदूर कितनी मेहनत करता है, क्या मिलता है उसे? 400 500 रुपए दिन, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता होगा। एक कारीगर, एक मजदूर, एक मकान बनाने वाला रात दिन मेहनत करके मकान बनाता है, उसे उतना पैसा नहीं मिलता है। एक आदमी कागज पे मकान बनाता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, ध्यान रखिए। वो इतनी मेहनत नहीं करता जितनी वो कर रहा है। कागज पे पेंसिल से यदि आपने मकान बना दिया, नक्शा बना दिया और आर्किटेक्ट ने बना के आपको दे दिया, वो कितने कमाएगा? शायद मुझे मालूम है 10% तो लेते ही होगा। एक डिजाइन करने का, निर्माण का, मजदूर को कितना परसेंट मिलता है? ध्यान, मेहनत मजदूर ज्यादा करता है, पैसा कागज में जो बनाता है उसे ज्यादा मिलता है। मान्यवर, आप सोचिए।